इलेक्ट्रिकल और सोलर प्लांट की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल वाले नोटिफिकेशन को कर लीजिए ऑन, जिससे हमारी जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। देखिए दोस्तों, जिस कॉमन फॉल्ट के बारे में हम आपको बताने वाले हैं उसमें होता क्या है, जो हमारे PCU हैं वहाँ की सारी सप्लाई कट हो जाती है, ये ऑफ हो जाते हैं, जिससे जो जनरेशन है वो बंद हो जाती है, और जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो भी ऑफ हो जाता है, उसमें भी सप्लाई नहीं आती है। लेकिन जो हमारा इनकमर लगा होता है, मेन इनकमर लगा होता है, ST पैनल लगा होता है, वहाँ पर सप्लाई बराबर आ रही होती है। तो ये किस कारण से होता है, तो देखिए हम जब इसको स्विच को भी ऑन ऑफ करके देखते हैं तो ये स्विच भी ऑन ऑफ नहीं होता है, ये बिल्कुल फ्री हो जाता है, इससे घुमाने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये किस कारण से होता है, तो यही हम आपको बताने वाले हैं। ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, ये कॉमन प्रॉब्लम है, अगर हमारे अंदर पैनल्स में कोई भी फॉल्ट भी नहीं होता है फिर भी ऐसा हो जाता है। तो ये हम देखने वाले हैं, सबसे पहले हम इंडिकेटर को देखेंगे कि इंडिकेटर हमारा क्या शो कर रहा है। तो देखिए ये जो हमारे इंडिकेटर लगे हुए हैं, तो इसमें जो हमारा सर्किट ब्रेकर है वो ऑफ हो गया है, ट्रिप हो गया है, देखिए यहाँ पर। और इसके बाद जो हमारी प्रोटेक्शन रिले है, रिले 86 जो होती है, वहाँ पर वह इंडिकेशन ऑन हो गया है उसका। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी प्रोटेक्शन रिले है वो हमारी ट्रिप हुई है, जिसके कारण हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो ऑफ हुआ है और हमारी जो PCU में सप्लाई है वो ऑफ हो गई है। तो देखिए जो ट्रिपिंग रिले होती है, जो रिले 86 होती है, वो हमारी सेफ्टी के लिए होती है। तो देखिए यही ट्रिप हुई है, तो वो हम आपको दिखाते हैं, ये 86 रिले है और यही ट्रिप हुई है। तो देखिए ट्रिप कैसे पता करें कि जो हमारी रिले है वो ट्रिप हुई है, तो देखिए यहाँ पर जो लाल इंडिकेशन दिखाई दे रहा है, लाल कलर की जो पट्टी दिखाई दे रही है, अगर ये दिखाई दे तो मान लीजिए जो रिले है, रिले 86 है, वो हमारी ट्रिप हो गई है। तो इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले हमें ऐसे ही सभी पैनल्स को देख लेना चाहिए कि हमारे जो पैनल्स में है कोई फॉल्ट तो नहीं आया है, कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ है, और ट्रांसफार्मर की साइड भी देख लेना चाहिए, अगर कोई फॉल्ट है तो उसको सही करना चाहिए, अगर कोई फॉल्ट नहीं है तो हम इसको ऑन कर सकते हैं। तो देखिए इसको ऑन करने के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो स्विच है इसको थोड़ा ऊपर प्रेस करेंगे तो ये रिले है वो हमारी फिर से वर्किंग में आ जाएगी। तो देखिए जो लाल पत्ती थी वो हट गई है। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, ये जो स्विच है इसको ऑन करके देखेंगे। तो देखिए जब हम इसको ऑन करके देखेंगे तो जो हमारी सप्लाई है वो हमारे ट्रांसफार्मर में भी पहुँच गई है और ये पैनल है वो चालू हो गए, और ये इंडिकेशन है जो ट्रिपिंग रिले का वो ऑफ हो गया है, और जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो चार्ज हो गया है, और जो हमारे PCU हैं वहाँ पर भी सप्लाई बराबर पहुँच गई है। अब कुछ टाइम बाद जो है हमारे PCU हैं वो स्टार्ट होते हैं, तो इसमें एक मिनट के करीब लगता है समय, तो स्टार्ट होते हैं, रनिंग में आते हैं। तो देखिए हमारा जो ट्रांसफार्मर है वहाँ पर भी सप्लाई आ गई है, और जो PCU हैं वहाँ पर भी सप्लाई बराबर आ गई है। तो अब हम ये भी देख लेते हैं कि जो हमारे पैनल हैं, जो PCU हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ देखने के लिए हमें थोड़ा वेट करना होता है। तो देखिए जब ये पैनल स्टार्ट होते हैं उसके लिए एक मिनट का समय लेते हैं। तो देखिए अभी ये रेडी हुई है, सिस्टम रेडी हुए हैं, तो इनमें क्या करते हैं, धीरे धीरे सभी सिस्टम को ऑन किया जाता है, एक साथ सिस्टम ऑन नहीं होता है। तो देखिए अब ये ऑन कंडीशन में आएगा, रनिंग कंडीशन में आएगा, तो ग्रीन जो LED है वो हमारी ग्लो होने लगेगी। तो मान लीजिए ये फुली वर्किंग में आ गई है। तो देखिए यहाँ पर जो इंडिकेशन है वो ग्रीन हो गया है, और हमारे जो PCU हैं वो जनरेशन स्टार्ट कर दिए हैं।